हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉकिंग टेक्स बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड वी हैव ब्रॉड टू यू ऑल द इंफॉमे एंड ऑल द नॉलेज यू नीड टू क्रैक दी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलम्पियाज सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग रिसेंटली जो भी अभी तक हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं ऑन द यूट्यूब

यू कैन से कि जो भी बच्चे और अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करना चाहते हैं फर्दर नॉलेज गेन करना चाहते हैं दैन दे कैन गो फॉर दी ओलम्पिया राइट एंड दैट्स वट वी डू हेअ सो दिस इज द मोटिव ऑफ अस्ट वी कैन से दैट ना यू इफ़ यू वॉन्ट एनी डी पी पी और स्टडी मटेरियल यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल यू नीड टू डू इज़ टू गो ऑन दी टेलीग्राम ऐप यू नीड टू राइट द कोड दैट इज़ टी टी बी जीरो एट फॉर क्लास एट राइट वैसे वेरियस क्लासेस के अलग अलग हैं तो यू कैन डेफिनेटली जॉइन अगर आप दूसरे क्लास के बच्चे हैं तो Right, so this is the TTP 08 for class 8 and all you need to join us and then you can have all the DPPs and study material over there. Now, you can see this is the team which is uh, very much doing hard work for you all so that you can get the knowledge or that you can get the uh, whatever knowledge or you can say whatever information you need to crack both the examinations. So, this is our only purpose. The next thing we have brought to you is uh, the package, right? Uh, for those students who are very much uh, in the search of a guide, or you can say uh, in the search of a proper mechanism or a proper process. इफ़ दे आर नोविस इन एनी फील लाइक कोई बच्चे को पहले पता चला है कि लाओ एन एस ओ जैसे भी कुछ एग्जामिन uh, होते हैं ओलम्पियाड्स होते हैं और उन्हें पता चला कि वो भी क्रैक कर सकते हैं राइट right? तो अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि भाई उनको नया नया पता चला है ओलंपियाड्स के बारे में राइट right? और जो बच्चे ने सोचा है कि मुझे ओलम्पियाड क्रैक करना है सो फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली नीड अ प्रॉपर गाइडेंस डेफिनेटली यू विल बी नीडिंग अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल और प्रॉपर यू कैन से प्रोसेस जहाँ आप uh, टेस्ट किया जा सके जहां पे आप अपना होमवर्क कर सको आपको एक uh, एक तरीके से हेल्प मिल सके uh, आपके डाउट्स क्लियर हो सके राइट right? तो ये जो सिस्टम है यही सिस्टम हम लोगों ने करने की कोशिश की कोशिश है एंड दैट्स वॉट वी हैव टर्न डैम इन टू दैकेज सो यू कैन गेट दी फुल पैकेज दैट मींस यू विल गेटिंग द स्टडी मटेरियल राइट यू विल बी गेटिंग द वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी लाइव क्लासेज एंड वीडियो लेक्चर्स यू विल गेटिंग द होमवर्क टेस्टिंग फीचर यू विल बी

नॉट फॉर दोज बल्कि एवरी वन के लिए नेसेसरी है ताकि फाइनल एग्ज़ाम जो भी है वो कैसा आता है किस पैटर्न पे आता है किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपको ये चीज़ें पता चल सके आपको एक रिहर्सल मिल जाएगी दैट एंड दैट्स वट वी हैव ट्राइड टू डू इट कि आपको एक तरीके से रिहर्सल मिल सके और आप अपने आप को एज अ यू कैन से फैमिलियर उस पैटर्न से कर सके दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड द पीरियडिक टेस्ट पेपर्स सो दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु नीड अ प्रॉपर गाइडेंस और अ पूरा प्रोसेस देने चाहिए होता है टू क्रैक दी एग्जामिनेशन राइट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी नॉलेज को ऑलरेडी इंप्रूव करते रहते हैं बट दे नीड टू टेस्ट डेम कि उन्होंने कितना नॉलेज किया है कि वो उस लेवल तक पहुंचे भी हैं कि नहीं कि जहां पर ओलंपियाड को वो क्रैक कर सके एंड इफ दे वांट टू टेस्ट दैन दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज राइट तो टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा पीरियडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे आपको मिलेंगे लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज एंड यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज सो ये चीज़ें आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज़ में नाउ इफ यू वॉन्ट अ थर्टी डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम टॉकिंग टेक्स बुक्स डॉट इन वॉट यू नीड टू डू इज़ टू राइट द कोड अगर यहाँ पर आप सीवाई लाइफ कोड को लिखते हैं सो यू विल बी गेटिंग थर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम टॉकिंग टेक्स बुक्स डॉट इन और राइट सो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल लाइक आपको इतने कम कॉस्ट में इतना प्रॉपर सही नॉलेज मिलता है एंड दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल राइट इवन अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द फीचर्स और रिगार्डिंग की आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता देन यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन दिस नंबर और राइट नाइन वन नाइन फाइव फोर नाइन जीरो फोर डबल वन डबल वन यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब की सब रिजोल्व हो जाएंगी दैट्स वॉट वी आर एमिंग फॉर राइट सो द बेसिक थिंग इज दैट अब देखते हैं फटाफट से आपको अभी प्रॉमिस करना है बिकॉज दिस इज़ द प्रॉमिस टाइम सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू टेक आउट योर बुक्स कॉपीज निकाल लो बढ़िया से प्रिपेयर कर लो अपने आप को एंड प्रॉमिस योर सेल्फ दट यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस रिवाइजिंग बहुत ज़रूरी है वॉट यू नीड टू डू इज़ आपको फिफ्टीन मिनट्स अ डे डेली रिवाइज करना है ठीक है सिर्फ फिफ्टीन मिनट्स और अपने इस टाइम को स्पेसिफिक भी बना के रखो टाइम को स्पेसिफिक बनाना ज़रूरी है बिकॉज डेफिनेट uh, सी बात है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे जैसे आपने ठीक है एक दिन में आपने मॉर्निंग में फाइव ओ जो है रिविजन कर लिया फिर अगले दिन आप सेवन ओ रिवीजन कर रहे हो so, सो ऐसा नहीं करना है अगर आपने कुछ एक टाइम मेंटेन किया है लाइक यू आर डूइंग एट इवनिंग इवनिंग में आप जो है सिक्स ओ क्लाक रिविजन के लिए बैठेंगे तो आप रोजाना इवनिंग में सिक्स ओ क्लाक रिविजन के लिए बैठेंगे बिकॉज आपको पता है कि कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया चीज होती है कंसिस्टेंसी का मतलब आप रोजाना वही काम कर रहे हो उस सेम टाइम पे तो इससे क्या होता है एक मेंटली आपको जो है एक तरीके से पता चल जाएगा कि छः बजे तो रिविजन करना ही करना है आपका मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओगे फॉर दैट रिविजन एंड दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू ठीक है ये सब चीज़ें मैटर करती है छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी स्टडिंग में आपके यू कैन से प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है राइट तो दैट इज़ यू कैन से इंपॉर्टेंट थिंग अब देखो मैं आपको जो है आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में सीखते हैं राइट right, देखिए अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में सीखा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या करता है मोशन को अपोज करता है उसको सभी चीज़ें ना ऐसे उसको पसंद नहीं है कि कोई मोशन करने की कोशिश भी करे या फिर मोशन करे राइट तो फ्रिक्शन फोर्स का काम है कि वो हर एक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना वो उसको अपोज करता है और इसी अपोजिशन के चक्कर में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि कई बार क्या होता है हीटिंग अप हो जाता है ठीक है सरफेस हीट अप हो जाती है ठीक है हमारे जो सोल्स होते हैं शूज़ के सोल्स होते हैं वो घिस जाते हैं ठीक है ठीके? और भी बहुत सारी चीज़ें जो है नुकसान हमें उठाना पड़ता है फ्रिक्शन का कई फायदा भी होता है कई जगह पे नुकसान भी होता है ठीक है नाउलेट टॉक अबाउट कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो था कॉजेज ठीक है उसके बाद हमने कॉजेज देखे थे सो so, कॉजेज में क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है नंबर वन कि उस जो सरफेस है किसी कोई किसी भी बॉडी का सरफेस है वो कैसा होता है पूरा का पूरा यू कैन से रफ होता है ठीक है कभी भी किसी का भी हंड्रेड परसेंट स्मूद प्योरली स्मूथ नहीं हुआ है राइट एंड दैट्स वाई क्या होता है कि फ्रिक्शन वहाँ होता है अगर प्रॉपर्ली आप वी कैन से प्योरली स्मूथ अगर कोई बॉडी हो जाती है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब क्या होगा वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा राइट लेकिन क्योंकि हर बॉडी कोई कोई ना कितना भले ही बहुत बहुत कम दिखा रही हो हो, या फिर किसी के पास ज़्यादा हो, so तो होगा वहां पर आपको जो है रफनेस की वजह से एक फ्रिक्शन का कॉज मिल गया सेकेंड थिंग वॉट यू गैट इज दैट दी वॉट वी कॉल्ड अबाउटिव फोर्स एंड द एंड इसका एक कॉज कौन है

मतलब वी कैन से डेफिनेटली इंक्रीज किया जा सकता है डिक्रीज किया जा सकता है या फिर हम उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सो व्हाट आर द बेसिकली फैक्टर्स जो कि क्या कर सकते हैं फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं या फिर हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर वन एंड दैट इज द वेट ऑफ द मूविंग बॉडी ठीक है लेट्स से कोई भी बॉडी यहाँ पर देखो जैसे ये है एक वुडन uh, बॉक्स है राइट दिस इज़ अ वुडन बॉक्स ये वुडन बॉक्स में जितना वेट होगा उतना डिपेंड करेगा डेफिनेटली बात है जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स भी होगा और अगर इस बच्चे ने जो है इसके ऊपर बैठ के इसका जो वेट है और इंक्रीज़ कर दिया तो अब और भी ज़्यादा इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन एक्ट करेगा ठीक है इसके ऊपर जो है अपोज करेगा फ्रिक्शन वहाँ पर तो जितना ज़्यादा वेट होगा बॉडी का जो बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है या फिर जिस बॉडी को मूव करवाया जा रहा है ठीक है उस बॉडी का जितना ज्यादा वेट होगा उसके अपोजिशन में फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा ही लगेगा राइट तो यू शुड नो अबाउट इट कि जो फ्रिक्शन होता है वो वेट पे डिपेंड करता है ठीक है वेट ऑफ द बॉडी जो कि मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मूव करवाया जा रहा है राइट सो so, यहाँ पे बेसिकली आप ये बोलेंगे किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यू कैन सी हियर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव्स कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सो यू कैन डेफिनेटली से दैट हम लोग मैथमेटिकली भी इसको लिख सकते हैं हाउ वी कैन राइट दैट कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू वॉट एम जी एम जी बताए ना वेट होता है हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है सीखा था जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंडरस्टैंड कर रहे थे राइट सो द थिंग इज कि यहाँ पे ये यह जो वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है ये चीज़ हम लोग को समझनी है आप ये खुद भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं लॉजिकली भी देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी को क्या किया जाए ज़्यादा वेट अप्लाई किया जाए मतलब उसको ज़मीन पर जो है ज़्यादा यू कैन से पुश किया जाए जमीन के ऊपर राइट right? अगर ऊपर से कोई फोर्स लगता है तो डेफिनेटली बात है कि इन दोनों का इंटरलॉकिंग पे भी जो सरफेस का इंटरलॉकिंग है और वुडन बोर्ड के जो हिल्स और जो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है इन दोनों का इंटरलॉकिंग और बढ़ जाएगा दैट्स वाई क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स भी यहां पे इंक्रीज हो जाएगा जितना ज्यादा जमीन का और इस बॉक्स का इंटरलॉकिंग होगा जितना हिल्स और वैलीज में इंटरलॉकिंग होगा उतना ही ज्यादा वहां फ्रिक्शन होगा और इंटरलॉकिंग को इंक्रीज कौन करेगा इसके ऊपर आने वाला एड ऑन होने वाला वेट अगर ज्यादा ज्यादा वेट एड ऑन होता गया तो मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरलॉकिंग हो रही है एंड दैट्स हाउ वी कैन से दैट कि भाई यहां पर फ्रिक्शन अब ज्यादा हो गया है ठीक है सो दैट यू कैन से द फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है क्या फ्रिक्शन का फोर्स राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वन एंड दैट इज द नेचर ऑफ द सर्फेस जितना ज्यादा रफ सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन बिकॉज डेफिनेटली बात है अगर ज्यादा रफ सरफेस होगा तो वहां पे हिल्स और वैलीज जो प्रेजेंट होती हैं वो डीप होंगी राइट right? वो ज्यादा गहरी होंगी सो so, उस टाइम पे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा जो है इंटरलॉक uh, और वैलीज एक दूसरे से टकराएंगी इंटरलॉकिंग और भी ज्यादा होगा राइट एंड दैट्स यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा सो यू कैन से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट राइट कॉन्टेक्ट में जो सरफेस है यू कैन सी कितना ज्यादा रफ सरफेस है ये राइट right? एंड इसके ऊपर ये बॉक्स को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है सो so, इस टाइम पर क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा राइट क्यू के एफ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो बेसिकली आपको देखना है अगर कोई स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर बॉक्स को जो है स्लाइड uh, करवाना चाहते हो तो वो आपके लिए हो जाएगा बिकॉज स्मूथ है है तो हिल्स और वैलीज का जो लेवल वो कम है ठीक है यू कैन से कम हिल्स और वैलीज वहां पर प्रेजेंट है राइट right? अब अगर ऐसा हो जाए कि आप किसी और उससे ज्यादा स्मूथ सर्फेस ज्यादा रफ पे बॉक्स को मूव करवा रहे हैं सेम बॉक्स को सो इट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू डिफिकल्ट क्यों क्योंकि हिल्स और वैलीज जो है डीप हो जाएंगी और नंबर ऑफ हिल्स और वैलीज भी इंक्रीज हो सकते हैं सो बेसिकली यहाँ पर इंटरलॉकिंग की वजह से बिकॉज इंटरलॉकिंग जो है ज़्यादा होगी अगर सरफेस ज़्यादा रफ होती है तो एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है वेन नेचर जो है उसका ज़्यादा रफ हो जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा अगर स्मूद हो जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हम एक ही सरफेस को पता है स्मूद uh, भी बना सकते हैं बाय रबेंगे उसके जो ग्रूव्स हैं ना उनको फिनिश करके उनको खत्म करके वीकेंड से बाय पूरी तरीके से तो खत्म नहीं होते बट एटलीस्ट हम उनका लेवल गिरा सकते हैं ठीक है नंबर ऑफ़ जो ग्रूव्स हैं उन सबको uh, जो है कम कर सकते हैं सो so बेसिकली आप लोग यहाँ देखेंगे जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उस पर उस सरफेस पे चीज़ों को मूव करवाना चीज़ों को स्लाइड करवाना राइट right, बहुत डिफिकल्ट होगा इनकम

लेकिन अगर वही रफ जैसे कॉन्क्रीट का फ्लोर हो गया ठीक है या फिर हम कह सकते हैं रफ सर्फेस लाइक रोड राइट तो उस बेसिस पे क्या होगा जब ऐसी बात होगी तो फिर बॉक्स को स्लाइड करवाना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ग्रूव ज्यादा हो चुके हैं ज्यादा बड़े भी हो चुके हैं राइट right? वहां पे हिल्स ऑफ वैली ज्यादा डीप या फिर वैसे हो सकते हैं सो वी कैन बेसिकली से कि ज्यादा रफ अगर सर्फेस होगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां प्रेजेंट होगा एंड अगर कम रफ सर्फेस होता है जैसे कि स्मूथ सर्फेस होता है तो वहां पर कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फ्रिक्शन जो कि एक लिमिटेड कंडीशन में ही जो है मतलब नॉट थर्ड फ्रिक्शन वी कैन से द थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है एंड वो जो फैक्टर है वो बेसिकली एक लिमिट तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कैसे देखते हैं देखो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड नहीं करता किस पे डिपेंड नहीं करता एरिया इन कॉन्टैक्ट और राइट एरिया इन कॉन्टैक्ट जो कि है जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये जो सरफेस है ब्लैक कलर की और राइट right, और ये जो वुडन बॉक्स है तो इन दोनों के बीच में जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है वहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में है इस चीज पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता कब तक डिपेंड नहीं करता देखेंगे इसकी कंडीशन एंड द कंडीशन इज टिल वेट रिमेन्स द सेम राइट right. अगर वेट चेंज नहीं हो रहा है उस बॉडी का लेट्स से आप एक बॉक्स को खिसका रहे हो तो उस बॉक्स का वेट चेंज नहीं हो रहा है राइट right? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा डिपेंड नहीं करेगा एरिया पे लेकिन अगर बॉडी का वेट चेंज हो रहा हो लाइक like कंटिन्यूसली उसमें से सामान गिर रहा हो ठीक है या फिर आप बोल सकते हो कंटिन्यूअसली से उसमें से जो है उसका जो मास है उसको हटाया जा रहा हो अगर ऐसा होता है ठीक है कंटिन्यूसली होकर ऐसा होता है तब हम लोग बोलेंगे दैट फ्रिक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है लेकिन लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होता जनरली इस कंडीशन को नहीं लिया जाता जैसे बॉक बॉल अगर मूव कर रही है किसी सरफेस पे लेट्स से बॉल जो है किसी सरफेस पे मूव कर रही है तो डेफिनेट सी बात है उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा एंड दैट्स व उसका वेट भी चेंज नहीं होगा तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ इसके उस कंडीशन के लिए जो फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता एरिया एंड कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता राइट लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए ठीक है ऐसा कंडीशन आ जाए कुछ ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप जो है मूव करवाना चाहते हो और उसमें से कंटिन्यूसली जो है यू कैन से कंटिन्यूसली उसमें से उसका मास कम हो रहा है लेट्स से जो गेहूं की बोरी होती है ठीक है जो सैक होता है यू कैन से कि आप क्या करें जो गेहूं की बोरी है उसको आप खिसकाएं ठीक है ठीके? उसको पुश करें फ्लोर पे राइट और क्या करें उसमें जो है एक होल कर दे तो जो गेहूं है वो बाहर आता जाएगा राइट ठीक है आप किसी भी ग्रेन को ले सकते हैं तो वो बाहर आता जाएगा कंटिन्यूअसली द मास इज़ डिक्रीजिंग तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे इट इज इट विल बी सो मच इजियर फॉर यू टू पुश दैट ऑब्जेक्ट राइट सो बेसिकली वहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि नहीं वहां पर हम बोलेंगे दैट इट इज़ डिपेंडिंग ऑन

ठीक है जिसके ऊपर जो है डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज़ द नेचर एंड द अदर फैक्टर इज़ द वेट ऑफ द बॉडी जो भी बॉडी उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करिए किसी सरफेस पे राइट एंड एरिया एरियन कॉन्टैक्ट नहीं होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा कब तक जब तक कि वेट सेम है तो बेसिकली हम लोग जो कंडीशन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिस भी कंटेक्स्ट uh, में जिस भी चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मेनली पढ़ने का वो है कि हम उन्हीं बॉडीज़ को स्टडी कर रहे हैं जिनका वेट चेंज नहीं हो रहा है राइट तो दैट्स वाई वी विल बी सेइंग कि एरिया इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन का फोर्स ठीक है तो वो दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा एंड दैट इज व्हाट द नेचर एंड द वेट ऑफ द बॉडी ठीक है इन्हीं दो चीजों पे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा और राइट नेचर ऑफ द बॉडी नेचर ऑफ द सर्फेस राइट तो ये एक आ, हम बोलते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं इसको डिनोट करते हैं एक सिंबल से एंड दैट इज म्यू ठीक है दैट इज म्यू इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि हर एक सरफेस का डिफरेंट होता है ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे तो वी कैन से दैट दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर एवरी ठीक है तो हम इसे नहीं लिखते हैं तो वी विल बी सेइंग इसे हम बोलेंगे कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ठीक है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है ये और राइट तो ये जो म्यू है ये हर सरफेस का डिफरेंट है हर सरफेस के लिए कांस्टेंट भी है ठीक है एंड इट डिपेंड्स ऑन द रफनेस ये डिपेंड करता है जैसे कंक्रीट के फ्लोर के लिए ये जो वैल्यू होगी दैट वुड बी समथिंग एल्स ठीक है फ्लोर मार्बल फ्लोर के लिए दिस वैल्यू वुड बी समथिंग एल्स लेकिन हर मार्बल फोर्स के लिए हर मार्बल फ्लोर के लिए उसी मार्बल फ्लोर के लिए इट वुड बी कॉन्स्टेंट ठीक है चेंज नहीं होगा लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस हैं लाइक कॉन्क्रीट डिफरेंट सर्फेसिस है उसका रफनेस कुछ और है राइट right? तो उसके बेसिस पे ये चेंज होगा मतलब ये जो कॉफिशियंट है ये एक्चुअली सरफेसेस की रफनेस पे डिपेंड करता है और राइट एंड ये उसका एक मेजर देता है कि कितना ज़्यादा रफ है या यू कैन से स्मूथ है ठीक है तो ये उसका एक तरीके से आपको एक मेजर देता है कि रफ सरफेस है कि कितना है कि नहीं है तो दैट वुड गिव यू गिव यू द कफिशंट ऑफ द फ्रिक्शन राइट एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस राइट तो ये जो दो चीज़ें हैं आपको रिमेंबर करनी है दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेट एंड इट दिस डिपेंड्स ऑन ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट किस तरीके से जो फ्रिक्शन होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कैसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है लेट्स टॉक अबाउट दैट देखो अभी मैं क्या करती हूँ एक बॉक्स और एक यू कैन से दिस ब्लॉक इज कैप्ट ऑन दिस सरफेस ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वी विल बी राइटिंग दी अप्लाइड फोर्स ठीक है एक अप्लाइड फोर्स हम लोग uh, जो है देखते हैं एंड टॉक अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट अब देखो क्योंकि ब्लॉक हैवी होता है चैफे ऐसी बात है तो आप उस पर हल्का सा फोर्स लगाओ हल्का सा फोर्स जब आप उस पर अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी क्योंकि हल्का सा फोर्स हमने लगाया है ठीक है तो मान लीजिए एक हैवी ऑब्जेक्ट है ये ठीक है आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज दी हैवी ऑब्जेक्ट अब अगर आप इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और ये मूव नहीं करेगी तो हम लोगों ने फोर्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने ये बात पढ़ा था कि जब कभी भी बैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं तो बॉडी मूव नहीं करती और हम लोग क्योंकि अब इस पर हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमने जो फोर्स लगाया है वो कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रही राइट right? इसी की वजह से यहाँ पे हम वो बोलेंगे कि जो हमको अपोज करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे अप्लाइड किए हुए फोर्स को बैलेंस कर रहा है वो कौन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है तो देखेंगे इसके ऊपर हमने क्या किया वन न्यूटन का फोर्स लगाया ठीक है तब क्या होगा अब क्योंकि यहां पे वन न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ये इस बात का प्रूफ है दैट देयर इज अ फोर्स विच इज बैलेंसिंग आवर फोर्स राइट वहां पे कोई ऐसा फोर्स है जो इस वन न्यूटन को बैलेंस आउट कर रहा है एंड दैट इज दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है एंड सेम नंबर बैलेंस आउट कर रहा है तो मतलब इक्वल है आपस में राइट तो हम बोलेंगे कि भाई अप्लाइड फोर्स जो वन न्यूटन uh, जो है अप्लाई किया गया तो फ्रिक्शन ने भी जो है वन न्यूटन अप्लाई किया ठीक है क्योंकि मुझे पता चला दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग दैट्स व्हाई वी कैन से बैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं एंड वी डू नो दैट देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स दैट मीन्स दैट फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंसिंग आवर फोर्सेज जो हमने अप्लाई किया है राइट नाउ लेट्स इंक्रीज द हमारा जो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम इंक्रीज कर देते हैं वन न्यूटन की जगह पे हम लोग क्या करते हैं टू न्यूटन का फोर्स लगाते हैं ठीक है चीके? और ये बॉडी अभी भी मूव नहीं होती ठीक है अब क्योंकि हमने टू न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉडी नहीं मूव हो रही तो मतलब हमारा फोर्स जो टू न्यूटन है वो बैलेंस होना चाहिए राइट बैलेंस कौन करेगा फ्रिक्शन का फोर्स अब फ्रिक्शन ने भी अपना वैल्यू बढ़ा दिया मतलब वो इतना स्मार्ट है ठीक है कि उसने भी जो है अपना वैल्यू टू न्यूटन कर लिया मतलब हमने जब अपना फोर्स लगाया हमने फोर्स इंक्रीज किया दैट हमने अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया फ्रिक्शन ने भी अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दिया एंड एज अ रिजल्ट क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए हैं तो एज अ रिजल्ट ये बॉडी मूव नहीं हुई राइट right? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारा फोर्स टू न्यूटन था तो फ्रिक्शन का फोर्स भी टू न्यूटन हो गया राइट एंड दैट्स वाई दिस बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल अब देखते हैं हम अपना जो फोर्स है उसको थ्री न्यूटन कर देते हैं राइट right, अब हमने भी अपना थ्री न्यूटन इंक्रीज कर दिया फिर भी बॉडी मूव नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ फिर से जो है हमारे फोर्स को बैलेंस आउट किया जा रहा है और अब स्मार्टली फोर्स ने भी फ्रिक्शन फोर्स ने भी क्या किया है खुद का वैल्यू इंक्रीज कर दिया है हमारे फोर्स को बैलेंस कर दिया है और उसने भी थ्री न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई करने करना शुरू कर दिया सो वी कैन से जब हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स थ्री न्यूटन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी थ्री न्यूटन है और यही रीजन है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं एंड दैट्स द बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल और राइट तो बेसिकली ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बहुत स्मार्ट है राइट नॉन एज स्टॉक कि भाई अब फोर न्यूटन कर देते हैं ठीक है एंड एंड अब की बार भी ऐसा ही हुआ कि ये बॉडी मूव नहीं हुआ सो समहा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज चेंजिंग इट्स वैल्यू एंड इट इज बैलेंसिंग आवर फोर्सेज अप्लाइड बाय अस ठीक है तो ये जो है ये वही काम कर रहा है तो अगर हमने जो है फोर न्यूटन अप्लाई किया तो भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने भी फोर न्यूटन अप्लाई कर दिया बट 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 यहां पर भी लिमिट होती है हर चीज की राइट यहां पर भी लिमिट होती है हर चीज की सो so, अब अगर फोर्स लगाया जाए ठीक है अब जो है अगर हमने फाइव न्यूटन फोर्स कर दिया तो ये बॉडी मूव करने लग जाएगी अब क्योंकि हमको ये बात पता है कि भाई अगर कोई बॉडी मूव करने लग जाती है तो मतलब फोर्सेस अनबैलेंस्ड। फोर्सेस अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया है कम और राइट right. उसको हमने ओवरकम कर दिया है एंड नाउ द बॉडी कैन स्टार्ट स्लाइडिंग और सो अब आप देखेंगे कि जब हमने फाइव न्यूटन फोर्स लगाया तो बेचारे सिर्फ फ्रिक्शन ने फोर न्यूटन ही लगाया तो इससे आपको क्या पता चल रहा है क्या चीज़ आपको पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है कब तक इंक्रीज होता है जब तक हमारे फोर्स को ये ओवरकम ना कर दे मतलब जैसे कि हमने फोर्स लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया फिर हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने भी अपना फोर्स इंक्रीज कर दिया हमने भी अपना फोर्स इंक्रीज कर दिया अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हो गया सो so बेसिकली ये एक ऐसा फोर्स है जो खुद को एडजस्ट कर लेता है ठीक है खुद को एडजस्ट कर लेता है लेकिन कब तक कर पाता है ये इसका भी कुछ ना कुछ लिमिट होगा ना तो देखो ये सिर्फ तभी तक कर पाता है जब तक जब तक आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं पहुंच जाते आप इसकी लिमिट तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये एडजस्ट करेगा पर उसके बाद क्या होगा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा ठीक है उसकी लिमिट जो है कम रह जाएगी हमारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स एंड तब वो कंडीशन होगा जब बॉडी मूव करने लग जाएगा सो so, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यस वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है क्योंकि वो हमारे अप्लाइड किए गए फोर्स के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू को चेंज करता है राइट right? वो स्मार्ट है उसका मेन मकसद यही है कि किसी भी तरीके से जो सरफेसेस हैं वो आपस में क्या ना करे मूव ना करे राइट right? वो उसका मेन मोटिव यही रहता है तो वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी उतना करेगा जितना उसका लिमिट है करता रहेगा करता रहेगा रहे रहे कब तक करेगा लेकिन जब उसका लिमिट प्रॉपर हो जाएगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा उसका वैल्यू जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स और उसके वैल्यू तक पहुंच जाएगा उसके बाद वो नहीं कर पाएगा और उसके बाद फाइनली जो बॉडी है वो मूव करने लग जाएगी स्लाइड करने लग जाएगी सो वॉट आई वॉन्ट टू टेलिंग दैट देर इज अ लिमिट ऑफ़ दी फ्रिक्शन उस लिमिट के बाद जो है फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट होना बंद हो जाता है राइट right? तो वो एक लिमिट तक ही सेल्फ एडजस्ट हो सकता है और इसी वजह से हम उसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बिकॉज ऐसा कोई भी फोर्स नहीं करता सिवाय फ्रिक्शन फोर्स के राइट right? तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक लिमिट नहीं हो जाती राइट right? जब तक वो फ्रिक्शन का फोर्स एक लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो है वो एडजस्ट होता रहता है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होता रहता है मतलब अपनी वैल्यू को वो इंक्रीज़ करते रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते रहता है किसके अप्लाइड फोर्स के और वो वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए वो वैल्यू जब हमने धक्का दिया और फ्रिक्शन का वैल्यू जितना उसका लिमिटिंग वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं ठीक है तो वो बॉडी मूव करने लग जाएगी तो जैसे इसका क्या था इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो फोर न्यूटन था ठीक है इन दोनों सरफेसेस का राइट फोर न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स था अब जब तक हमने फोर न्यूटन अप्लाई नहीं किया बॉडी नहीं मूव हुई लेकिन जैसे ही हमने फोर से ज्यादा अप्लाई किया फाइव तक पहुंचे फाइव न्यूटन अप्लाई किया बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया राइट right? तो यहाँ पे जो फोर न्यूटन है दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन उसके बाद जो है बॉडी क्या करती है स्लाइड होना शुरू हो जाती है मूव करवा होना शुरू हो जाती है राइट right? सो so, मैं आपको एक लिमिटिंग uh, जो है फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले बिफोर अ बॉडी जस्ट बिगिनस टू स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की जहां पर जिसके ठीक ऊपर जाते ही फोर्स जो है बॉडी मूव करने लग जाती है मतलब बॉडी जस्ट स्लाइड होने ही वाली मतलब बिल्कुल हो जाती है राइट स्टार्ट स्लाइडिंग स्लाइडिंग एट दैट पॉइंट जहां पर वो बिल्कुल स्टार्ट कर देती है और राइट दैट इज नोन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन और यू कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टेट फ्रिक्शन ठीक है मैं आपको अभी जाके जो है टाइप से बताऊंगी सो फर्स्ट यू नीड टू नोट नोट डाउन द वैल्यूज और राइट यू शुड नोट डाउन दिस डेफिनेशन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द

ठीक है तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने कितने टाइप्स के होते हैं फ्रिक्शन ये जो है हम लोग देखते हैं तो देखो दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं ठीक है नंबर वन इज स्टेटिक फ्रिक्शन स्टेटिक मतलब रुका हुआ सो व्हेन द बॉडी इज इन द स्टेटिक मोड जब दोनों बॉडी स्टेशनरी दोनों सरफेसेस जो है स्टेशनरी हो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी सरफेस का तब जो फ्रिक्शन एक्ट होता है तब हम क्या बोलते हैं उसको स्टेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं जैसे कि अभी हमने देखा ना जब हमने वन न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं किया हमने ट्यू न्यूटन फोर्स लगाया बॉडी नू मूव नहीं किया तो वो जो फ्रिक्शन इस पूरे जो है घटनाक्रम में इंक्लूड हो रहा है वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमें रोक रहा है सरफेसिस को स्लाइड होने से और वो जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है स्टेटिक फ्रिक्शन तो ये स्टेटिक फ्रिक्शन तब आता है रोल प्ले में जब क्या हो रहा होता है जब वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है तो दो सरफेसेस एक दूसरे को मूव करना चाहती हैं राइट उनके रिलेटिव में वो मूव करना चाहती हैं बट कर नहीं पा रही हैं तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन आता है स्टेटिक फ्रिक्शन आता है ठीक है अब जैसे ही बॉडी मूव करने लग गई ठीक से स्लाइड करने लग गई या रोल करने लग गई राइट तब वो कौन से उसमें आता है तब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम डायनामिक फ्रिक्शन कह देते हैं ठीक है तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन को जो है हम डायनामिक भी बोल सकते हैं राइट right, इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं सो दिस इजर यू कैन से अनदर नेम अब देखो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये टू टाइप्स का होता है तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे जब कभी भी दो सर्फेसिस uh, आपस में कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन स्टेशनरी है तब कहाँ पे तब क्या फ्रिक्शन है तब है स्टेटिक फ्रिक्शन लेकिन जब दो बॉडीज जो है आपस में एक दूसरे से मूव कर रही हैं स्लाइड कर रही हैं रोल कर रही हैं तब कौन सा फ्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी टू टाइप्स में आता है जब कभी भी कोई भी बॉडी कोई भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रही है तब हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इन दी रोल प्ले और राइट और जब कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल हो रही होती है जस्ट लाइक द टायर्स ठीक है जब कभी भी टायर्स रोल हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली बात है कि वो एक सर्फेस के ऊपर रोल हो रहे हैं दैट मीन दे हैज टू बी अ फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन इज नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन राइट तो बेसिकली तीन टाइप में आपको देखो मोशन तो इतने ही हो सकते हैं दो सरफेस का स्पेशली राइट की मोशन जो है दो सरफेसिस का या तो ये दोनों सरफेसेस क्या करेगी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी लाइक दिस तो यहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा दो सरफेज रुकी रहेंगी तो यहां पर स्टेटिक फ्रिक्शन राइट अब अगर एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है लाइक like दिस ऐसे करके रोल कर रही है ठीक है तो जब वो रोल कर रही होगी तब कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स राइट एक तो है स्टेटिक दूसरा है डायनामिक जिसमें बाकी के दो आते हैं द रोलिंग एंड द स्लाइडिंग राइट सो दिस इज ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रिक्शन नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन हर किसी के बारे में हम वन बाय वन बातें करते हैं सो नंबर वन इज द स्टेटिक फ्रिक्शन जब कभी भी बॉडी रुकी हुई है तो हमने देखा ना जब तक वन न्यूटन फिर टू न्यूटन थ्री न्यूटन फोर न्यूटन जब तक हमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी रुकी हुई थी इसका मतलब फ्रिक्शन वहाँ प्रेजेंट है बॉडी मूव करना चाहती है मतलब हम डेफिनेटली बातें हम धक्का मार रहे हैं पुश कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव यही है कि बॉडी मूव करने लग जाए राइट तो वो जो दोनों सर्फेस हैं वो दोनों सर्फेसिज आपस में मूव हम कर ऊपर वाली सर्फेस करना चाहती है बट नीचे वाला जो

ऑल्सो इंक्रीज एट द सेम रेट एंड द बॉडी रिमे स्टेशनरी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया जाता है इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है एंड उतना होने के बावजूद भी बॉडी स्टेशनरी रहती है उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है जो हमको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है यानी कि अप्लाइड फोर्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है

अब अगर और भी ज़्यादा जो है उसको अप्लाई किया मतलब जो अप्लाई फोर्स है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जस्ट लाइक like हमने क्या किया था फोर न्यूटन के बाद जब हमने फाइव न्यूटन अप्लाई किया था और राइट अ स्टेज रीचेज वेन द बॉडी बिगन्स टू जस्ट मूव बॉडी क्या करती है बस मूव कर ही देती है राइट जस्ट मूव कर जाती है वो बिल्कुल उस केस में क्या होगा फाइनल वैल्यू वो जो लिमिटिंग वो जो मैक्सिमम वैल्यू था फ्रिक्शन का जिसके आगे वो अपोज नहीं कर पाया

पर इस स्टेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर बॉडी बस मूव कर जाती है ठीक है वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम बोलेंगे इस चीज जो है इसको डिनोट करेंगे एफ एस मैक्स ठीक है और उसको हम क्या बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है अब देखेंगे द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर उसको सिंपली लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं सो बेसिकली आपको अभी पता चला कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है जो स्टेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम तक हो सकता है ठीक है स्टेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ज़ीरो से लेके मैक्सिमम तक हो सकता है पर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज दैट इज़ द लिमिट ठीक है उसके आगे जो है फ्रिक्शन अपोज नहीं कर पाया तो दैट इज द लिमिट और उसको भी हम क्या बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं है तो वो स्टेटिक फ्रिक्शन ही बट उसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए रख दिया है क्योंकि वो लिमिट हो गया है राइट उसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टेटिक फ्रिक्शन तो एटलीस्ट नहीं वर्क कर पा रहा ठीक है तो दैट्स वॉट वी डू नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये कब जो है रोल प्ले में आता है पहले तो क्या होता है स्टेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले में आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू पहुंची अब जो है स्लाइडिंग होने लग गई बॉडी तो जब बॉडी स्लाइड होने लग जाती है तब वो जो फ्रिक्शन वहां पे रोल प्ले में आता है दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन सो वेन एवर टू बॉडीज या फिर टू सरफेस स्लाइड ऑन वन एंड अदर देर इज अ फ्रिक्शन नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन ठीक है तो देखेंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट वेन वन सरफेसेज स्लाइड ओवर द अदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन नेसेसरीली है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन तभी वहां प्रेजेंट होगा जब कभी भी टू सरफेसेज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होंगी राइट right? अगर वो नहीं करती हैं अगर वो स्लाइड नहीं करती हैं तो इसका मतलब वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है ऑलराइट दिस इज द कंडीशन दैट देयर हैज टू बी अ स्लाइडिंग वन सरफेस ओवर द अदर ऑलराइट जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई जब हमने जो ब्लॉक था ठीक है उसको पुल वीकेंड से या पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं मूव करवा रहे हैं अब जब हमने इतना फोर्स लगा दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन के भी ऊपर फोर्स हमने अप्लाई कर दिया तो बॉडी स्लाइड होने लग जाएगी राइट right? तो जब वो स्लाइड हो रही होगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन विल भी देयर क्योंकि वो रोकने की कोशिश करेगा दैट फ्रिक्शन ज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और वो जो फ्रिक्शन है वो स्टेटिक फ्रिक्शन से कम होता है ऑलवेज ठीक है तो आप देख सकते हैं जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये स्टेटिक फ्रिक्शन से कम होता है डेफिनेटली बात है ठीक है देखोगे द फोर्स रिक्वायर टू कीप अ बॉडी इन मोशन इज लेस देन द फोर्स रिक्वायर टू स्टार्ट द मोशन ठीक है जब बॉडी को स्टार्ट मतलब मोशन दे रहे हैं वो भी रुकी हुई है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है तो स्टार्ट करने के लिए जितना फोर्स हमें चाहिए ना उससे कम फोर्स हमें उसको एक मूविंग बॉडी को आगे चलाने में चाहिए बिकॉज वो ऑलरेडी मूव हो रही है राइट right? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज़ वेरी मच लेस दैन दी स्ला स्टेटिक फ्रिक्शन राइट स्टेटिक फ्रिक्शन से कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड बिकॉज क्योंकि एक मूविंग बॉडी को जो तो है और फोर्स देना ठीक है एक मूविंग बॉडी को जो है और भी मूविंग बनाते रहना कंटिन्यू करवाते रहना दैट रिक्वायर्स लेस फोर्स दैन स्टार्टिंग करना बिकॉज स्टार्टिंग इज द मेन थिंग ठीक है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हमको जो है मेहनत करनी पड़ती है चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो बॉक्स को जो है मूव करवाना हो हर केस में राइट स्टार्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दी लिमिटिंग स्टेटिक फ्रिक्शन एंड दैट इज ट्रू राइट सो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि यहाँ पर यू कैन से द एफ स्लाइडिंग ठीक है दिस लेस देन एफ एस मैक्स ठीक है ये जो है ये एक्सप्रेशन आपको रिमेंबर करना है बिकॉज एफ स्लाइडिंग जो है वो क्या है यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो फोर्स है दैट इज़ वेरी मच लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू दैट यू कैन से द लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे लेस होता है राइट right? सो so अब आपको क्या करना है सिंपली इसको फटाफट से नोट आउट कर लेना है ठीक है लिमिटिंग स्टेटिक फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए और राइट तो अब हम अपने थर्ड वाले फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं एंड दैट इज़ द रोलिंग वन और राइट तो रोलिंग तो और भी ज़्यादा कम वैल्यू की होती है बिकॉज़ रोल करना तो बहुत ईजी है ठीक है देखो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है स्टेट फ्रिक्शन को ओवरकम करना ठीक है उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको ओवरकम करना वो सबसे ज़्यादा हार्ड है एक बार बॉडी मूव होने लग गई यानी एक बार स्लाइड होने लग गई तब हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और अगर वो जैसे बॉडी जो है अगर उसको किसी रोलर पे रख दिया जाए ठीक है या फिर किसी ऐसे सर्वेस पे रख दिया जाए जिसके ऊपर टायर्स लगे राइट और फिर हम उसको जो है uh, हम लोग उसको पुश कर रहे हैं तो इट विज़ वेरी 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 ईजी टू पुश या फिर उस बॉडी को मूव करवाना वुड बी वेरी ईजी सो वी कैन से दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज द वेरी मच लेस इन कंपेरिजन टू ऑल थ्री ठीक है So we can say the force of friction between the two surfaces in contact when one of them इज रोलिंग ऑन द अदर इज नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन और ये रोलिंग फ्रिक्शन कब कब काम में आता है जब आप बाईसाइकिल चला रहे होता है तब भी ये रोलिंग टायर्स होते हैं वो रोल करते हैं राइट जब कार जो है मूव हो रही होती है उसके भी टायर्स मूव करते हैं ठीक है that's why rolling friction is there, कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रहा है तो देयर इज रोलिंग फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द रोलिंग ऑफ द टायर्स ऑन दर्फेस राइट दैट्स वाई ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये मोस्ट कॉमन है एंड ये बहुत ही ईजी करता है देखो तुम ध्यान से देखो इज बॉडी को स्लाइड करवाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट लेकिन इसी बॉडी को अगर हम रोल जो हैं अगर हम उसको रोल करवा रहे किसी भी चीज़ पे लेट से तो इट वुड बी वेरी मच इजी ठीक है इसको मूव करना वुड बी वेरी 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 इजी इन कंपैरिजन टू द स्लाइडिंग ठीक है तो यहाँ पे आपको मेन बात यही ध्यान में रखनी है एंड यू कैन डेफिनेटली से दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग वन ठीक है तो ये सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन इज द सबसे लोवेस्ट होता है इसका वैल्यू देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है एंड देन स्टेटिक फ्रिक्शन आता है जो सबसे ज्यादा होता है राइट सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शंस ट वी टॉक्ट अबाउट टूडे और एक्चो वी हैव टॉक्ट अबाउट द थ्री फोर्सेज नाउ यू कैन सी हर उन तीनों को ही अगर हम कंपेयर करें ठीक है उन तीनों का ही वैल्यू अगर हम देखें तो देखो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया गया ठीक है ये है एक्स एक्सेस जहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है वाई एक्सेस जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है तो अब देखेंगे जीरो से जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया जैसे जैसे इंक्रीज किया वैसे वैसे ही क्या हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होते जा रहा है ठीक है उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम अभी कैसे मोड में है अभी सेल्फ एडजस्टिंग मोड में है तो फिर ये क्या होगा वैसे वैसे उसका वैल्यू जो है इंक्रीज होता जाएगा लेकिन एक लिमिट होगी ये रही वो लिमिट ठीक है ये रही वो लिमिट और यहाँ पे जो बॉडी है वो मूव करना शुरू कर देगी उसके बाद क्या होगा वो स्लाइड करना शुरू कर देगी एंड दैट वुड बी द काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि रोलिंग भी हो सकता है स्टेज स्लाइडिंग भी हो सकता है वैसे जनरली स्लाइडिंग होता है ठीक है तो ये फिर आ जाता है डायनामिक और इसका वैल्यू जो होता है कॉन्स्टेंट होता है ठीक है मोशन में पूरे दौरान वो कॉन्स्टेंट रहता है सो so बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कभी भी जब स्टार्ट हो रहा होता है मोशन तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट हो रहा है ठीक है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग वो तो

ट्राइज टू रोल ओवर दी अनदर ठीक है तो ये चीज़ हम लोग को जो है ध्यान रखनी है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉगे टू क्लिक ऑन द बेलकन और राइट ताकि आप नोटिफाई रह सके सो द बेसिक थिंग एज कि आपको क्या करना है तीनों फोर्सेज को जो हमने फोर्स ऑफ फिक्शन पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है उनको जो है देखना है कि भाई क्या होते हैं क्या नहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम कोई भी दिक्कत होती है यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच